वेलकम टू पाकिस्तान रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुद्दसर, मैं हूं मुबशिर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो के है व्हाट दीस 10 कंट्रीज थिंक अबाउट इंडिया। मतलब आज कोई 10 कंट्रीज हम देखेंगे, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं, मजा आने लगा है। टॉप 10 हिंदी का वीडियो है, इनका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास इनके पास काफी ज्यादा नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलेंगी। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दूसरे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ दोस्तों, आपको नहीं लगता आज के टाइम में जब हम अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर इतने अवेयर रहते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता हमें इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा देश हमारे देश का दोस्त है और कौन सिर्फ दोस्ती की खाल ओढ़े होने का ढोंग कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दुनिया के बाकी देश हमारे भारत के बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 10, चाइना। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकली हमारे करीब स्थित चाइना की। आज तो हम सभी को क्लियर है कि चाइना इंडिया का फ्रेंड नहीं है, लेकिन हमेशा से ही इंडिया और चाइना के बीच ये टक्कर नहीं थी। 2000 साल पहले जब सिल्क रूट इंडिया और चाइना से होकर जाता था, इसलिए दोनों देशों के बीच बहुत ट्रेड हुआ करता था। लेकिन कोविड-19 के समय गैलवन वैली में हुई झड़प के बाद चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया और चाइना में इंडिया की सभी न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये दुश्मनी इतनी नई नहीं है, चाइना हमेशा से इंडिया को आके पढ़ने से रोकता रहा। हाँ। क्योंकि उसे इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से भी खतरा है, ये बात है। और इसीलिए वो अक्सर बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करता है ताकि इंडिया का ध्यान बटा रहे। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। यूके, भले ही दुनिया के सामने यूके इंडिया की तारीफ करता हो, लेकिन यूके की लेबर पार्टी अक्सर इंडिया के मैटर्स में पढ़कर इंडिया को क्रिटिसाइज करती ही रहती है, और यूके के इस दोगलेपन की वजह से उसका कॉम्प्लेक्स की जिस देश पर उसने 200 साल तक शासन किया वो उससे आगे कैसे निकल सकता है। वाकई में 2016 के एक सर्वे के हिसाब से 43% सिटीजन को ये लगता है कि उनकी दुनिया पर राज करने वाली नीति बिल्कुल सही थी। इसके अलावा यूके इंडिया से भागे सभी बड़े बड़े स्कैमर्स को पनाह भी देता है, और जब इंडिया उन्हें वापस लौटाने को कहता है तो यूके ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर ये अपील डिनाई कर दी जाती है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, जब इंडिया यूके को फूटी आंख नहीं सुहाता तो फिर अच्छे बनने का ये ढोंग क्यों? असल में यूके के लगभग 1,00,000 लोगों को सिर्फ इंडियन कंपनीज की वजह से ही रोजगार मिलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द्वारा मिलने वाले रेवेन्यू में सबसे ज्यादा परसेंटेज भी इंडियन स्टूडेंट्स का ही है। नंबर 8, इजराइल। यार इनके साथ अब बात करते हैं खुद को अपना एलाय बताने वाले देश इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी इंडिया को अपना दोस्त बताया, और पुलवामा अटैक के बाद भी उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ इंडिया का साथ देने की बात कही थी। पर क्या सचमुच ऐसा है, या फिर यूके की ही तरह इसराइल के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और हैं? भारत और इसराइल की ये दोस्ती काफी पुरानी है। जब पूरी दुनिया के लोग ज्यूइश लोगों को परसिक्यूट कर रहे थे, तब इंडिया ने ही इसराइल के ज्यूइश लोगों को पनाह दी थी। 2014 के डेटा के अनुसार 10 सालों में इंडिया और इसराइल के बीच 66 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बिजनेस हुआ था। नंबर 7, यूनाइटेड स्टेट्स। 2019 में अमेरिका और भारत के बीच का ट्रेड 2.5 लाख करोड़ रुपए का। इसके अलावा हमारी बॉलीवुड फिल्में भी अमेरिका के लिए पैसे कमाने का अच्छा सोर्स है, लेकिन यूएस भी शायद भारत का दोस्त बनने का सिर्फ नाटक ही करता है, क्योंकि कोविड-19 के समय अमेरिका ने वैक्सीन के लिए आने वाले रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था। लेकिन अमेरिका का ये ढोंग नया नहीं है, 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग में भी यूएस ने अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था, और 2019 और 2020 में भी यूएस ही पाकिस्तान का टॉप टोनर था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस ड्यूअल बिहेवियर से यूएस को फायदा क्या होगा? असल में यूएस को 5,00,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडिया के एनरोल स्टूडेंट से ही मिलते हैं, और दूसरा फायदा है चाइना से जीत, क्योंकि अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर अगर कोई देश टक्कर दे सकता है तो वो है चाइना। करीब हाथ मिलाकर रखना चाहता है। नंबर 6, पाकिस्तान।
पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि लोग भी एक दूसरे के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। एक सर्वे के हिसाब से 71% पाकिस्तानी इंडिया को एक सीरियस थ्रेट मानते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसा थ्रेट, बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तानी बुक्स में ही वहाँ के बच्चों को कई ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग के हैप्पी बर्थडे पर भारत के प्रधानमंत्री ने जब उन्हें ट्वीट करते हुए विश किया था, पीएम मोदी ने अपने इस ट्वीट में किम को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये पता चलता है कि भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच अच्छी दोस्ती है और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है। पिछले दिनों आईडी मांगी थी कोरिया क्राइसिस की वजह से। लेकिन दोस्ती का ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। चाइना के बाद इंडिया ही नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। WHO की रिक्वेस्ट पर इंडिया ने 7 करोड़ की एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस मेडिसिन भी नॉर्थ कोरिया को प्रदान किया। और इसीलिए मोस्टली चुप रहने वाले किम जोंग ने पीएम मोदी के ट्वीट को एक्नॉलेज भी किया। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? चाइना का कोरिया का सबसे बड़ा फ्रेंड चाइना है, जो कि इंडिया का दुश्मन है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 4, रशिया। अच्छा दोस्त। अब बारी आती है भारत का खास दोस्त कहे जाने वाले रूस की। इंडिया और रूस की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1971 को, जब भारत और तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस ने चिरंजीवी दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। 1971 में भारत के लिए हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। एक तरफ जहां तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त जनता भारत में शरण लेने के लिए खुशी जा रही थी, वहीं पाकिस्तान अमेरिका और चीन का गठबंधन मजबूत होता जा रहा था। ऐसे में तीन दिशाओं से घिरे भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। उस वक्त रूस ने ही भारत की मदद की थी, लेकिन इन दिनों रूस के कुछ बिहेवियर से ये दोस्ती खत्म होती नजर आ रही है। थोड़ा सा बिहेवियर, या फिर यूं कहते हैं कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रूस ने हाल ही में अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में इंडिया को आमंत्रित नहीं किया। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के शामिल होने की संभावना है। आपको क्या लगता है, मुश्किल पाकिस्तान इस 50 साल गहरी दोस्ती में दरार पड़ गई है? नंबर 3, साउथ कोरिया। भारत दक्षिण कोरिया संबंध पिछले 2000 वर्षों से मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिली है। 1996 में इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन की स्थापना की गई थी। कोरिया में अप्रैल 2011 में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। कोरिया में लगभग 8000 माइग्रेंट इंडियंस मौजूद हैं। एलजी और सैमसंग जैसी कोरियन कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अलावा इन दोनों के देशों के आर्थिक संबंध भी काफी अच्छे हैं। 2017-18 में इन दोनों देशों के बीच $18.30 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और पिछले सालों के कंपैरिजन में इंडिया और पिछले 1-2 सालों में इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस काफी बेहतर हुए हैं। नंबर 2, ये बहुत अच्छा दोस्त है। भारत और जापान के संबंध शुरू से ही बहुत स्थिर और मजबूत रहे हैं। बहुत अच्छे। इसका एक एग्जाम्पल तो यही हो सकता है कि भारत में जन्मे बौद्ध धर्म की झलक आपको जापान में देखने को मिल जाती है। भारत में, जापान में भारतीय संस्कृति लोकप्रिय होती जा रही है। जापान के हर शहर में आपको कई इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आजकल बॉलीवुड फिल्में भी यहाँ लोकप्रिय हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी होता है। और तो और, टोक्यो में हर साल सितंबर में नमस्ते इंडिया नामक बड़ा सा फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। इसके अलावा लास्ट ईयर कुछ ईयर्स में इंडिया और जापान के बीच का ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग हुआ है। 2020 में इंडिया जापान का 18th सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और जापान इंडिया का 12th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। सो ओवरऑल बात करें तो इंडिया और जापान दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। नंबर 1, ब्राजील। अब बात करते हैं ब्राजील की। दोनों ही देश ब्रिक्स के मेंबर हैं और कोरोना पैंडेमिक के समय भी ब्राजील की हेल्प की थी, लेकिन अक्सर इन दोनों देशों के बीच थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां भी देखी जाती हैं। तनाव के प्रमुख स्रोतों में से एक भारत में पुर्तगाली एनक्लेव की मेनली गोवा को भारत में विलय करने की प्रक्रिया थी। पुर्तगाल पर भारत के दबाव के बावजूद ब्राजील ने गोवा के लिए पुर्तगाल के दावे का समर्थन किया था। 2009 में भी ब्राजील ने भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को 100 MAR-1 एंटी विकिरण मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। और 2013 के BBC के वर्ल्ड सर्विस पोल के हिसाब से ब्राजील के 26% लोग ही इंडिया को सकारात्मक रूप में देखते हैं। शायद अभी अच्छा दोस्त पहले नहीं था कि कोई भी देश बिना अपने फायदे किसी देश की मदद नहीं करे।
और ऐसा भी हो सकता है दूसरे देशों में इंडिया के बारे में भी यही बातें कही जा रही हो। आपको क्या लगता है, इंडिया इस मामले में बाकियों से अलग है या वैसा ही है? जितना मुझे लगता है मैं अपने दिल से आपको बात बताता हूँ, इंडिया एटलीस्ट चाइना ये अमेरिका और ये कुछ और यूके इन जैसा धोखला कंट्री नहीं है, नहीं है। ये जो बात है जिससे दोस्ती करता है दिल से करता है और हाथ को फैला के करता है। इस मामले में अगर देखा जाए ना जितने भी इसमें बताए गए हैं, इसमें सबसे अच्छे जो रिलेशन की मैं बात बताऊं ना, रशिया इसराइल जापान ये तीन मुझे जो है ये मतलब ठीक लगे। मतलब क्यों और तो मतलब पाकिस्तान तो शुरू से ही है, शुरू से ही है। चाइना का कभी दोस्त मान जाता है, चाइना भी दोगला है, उस पे भी करो चाइना तो अभी तो है ही नहीं ना, मतलब है ही दुश्मन ना बिल्कुल। तो मतलब अभी और अमेरिका तो, अमेरिका बहुत दोगला यार इसमें कोई शक, अमेरिका अपना फायदा देखता है, यूके उसका चमचा है वो भी अपना फायदा देखता है, उसको जरूरत अंदर से जलता है यूके में। ब्राजील का अभी मैं नहीं कह सकता, अभी कुछ क्योंकि ब्राजील का भी हमें पता चला है किस वजह से क्या बात है, मतलब क्योंकि काफी सारी सैटेलाइट ब्राजील के इंडिया जो है लॉन्च करता है, मतलब और भी कोविड में भी उनको वैक्सीन वगैरह दी बहुत ज्यादा उनकी भाई बहुत मदद की थी, दवाइयां भेजी थी पूरी वो तो दुनिया में भेजी थी, लेकिन ब्राजील की बहुत मदद की थी। तो वो रीजन मैं उन दिनों वो आया भी था डिफेंस, मतलब ब्राजील का वो आया भी था रिपब्लिक डे पर, इसलिए पिछले साल के तो वो भी इंडिया आया था, वो भी इंडिया तो काफी उससे मतलब काफी। लेकिन यार कोई भी हो वाकई भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यार मतलब आजकल मतलब की वजह से अगर अमेरिका कर रहा है सारा कुछ नजदीक आ रहा है, एक तो वो हथियार बेच रहा है, दूसरा ये कि वो चाइना को खत्म करना काउंटर करने के चक्कर में, रशिया है वो इस लिहाज से कह सकते हैं कि वो अपने हथियार बेचता है, मतलब मुफाद अपना आ जाता है। मतलब इस टाइम में दुनिया में हर कोई मतलब कंट्री जो है ना वो अपना फायदा देखता है पहले, उसके बाद वो कुछ करता है। तो मैं कहता हूँ इंडिया मतलब अभी तक इंडिया जो है वो हर किसी से दोगला कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं लेकिन नहीं मैं तो कहता हूँ इंडिया को भी अपना फायदा देखना चाहिए, क्योंकि जो और कंट्री करते हैं तो ऐसे इंडिया भी करे क्यों भाई? देखो जिस तरीके से इंडिया चलता है सारे देशों के साथ, एक रशिया मतलब सबके साथ उसका हमेशा यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छा चले, मतलब यार जितने तरीके से भी देखा जाए इंडिया उस लिहाज से बेस्ट है। किसी के साथ फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, किसी के साथ काम में थोड़ी मतलब यार थोड़ी काम लगभग हर किसी के साथ बना के रखी है, बिल्कुल यही बात। गाइस आप लोग क्या सोचते हैं, इनमें से कौन सा कंट्री इंडिया का बहुत आपको ओरिजिनल दोस्त लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।